तो चलो गाइस GTA 5 की एक और लॉन्ग वीडियो में आप लोग का वेलकम। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ पिछली वाली वीडियो में क्या हुआ था, जिन लोगों ने नहीं देखा है फटाफट से मैं बताता हूँ। ट्रेवर और माइकल और एक दोस्त इन लोग का नया बन चुका था और माइकल के घर पर वो आया हुआ था, ब्रेड उसका नाम था। और पता नहीं कि भाई वो थोड़ा चोर टाइप बंदा था, वो घर पर चोरी नहीं किया, वो कहीं से और चोरी करके आया हुआ था। तभी वहाँ पर इतनी सारी पुलिस आ गई, इतनी सारी, और उसे भाई उसने पकड़ लिया, मतलब पुलिस वालों ने ब्रेड को उठा लिया वहाँ से। माइकल बहुत ही कोशिश किया उन लोगों पुलिस वालों से छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छूट नहीं पाया। तभी वो एक बाबा के पास जाता है और बाबा बोलता है तुम अंडर वाटर माफिया की हेल्प लेके छुड़ा सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी गया तो अंडर वाटर माफिया ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया था, लेकिन वो भी फेल हो चुका। और तभी वहाँ पे मैंने मतलब माइकल ने पुलिस वालों को मार दिया भाई, एक पुलिस वाले को और एक पुलिस वाले को अंडर वाटर माफिया ने मार दिया। तभी वहाँ से दो पुलिस मतलब कि हम दोनों के पीछे पड़ चुकी और पूरे मैप में हम लोग को पुलिस ही पुलिस ढूंढ रही थी और माइकल भाग रहा था। तभी यार पूरे रोड पर जाम लगा के पुलिस वालों ने माइकल को पकड़ लिया। तो अभी देख सकते हो माइकल को पूरा उन लोगों ने जेल में डाल दिया है। तो फाइनली माइकल यही चाहता था कि माइकल जेल में आ जाए और उसके बाद ब्रेड को वो छुड़ा के ले जाए। तो फटाफट से चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ उस रेड कलर वाले बटन को और जल्दी से लाइक करो। फटाफट से यहाँ पे हम लोग ब्रेड को ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेड को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही क्योंकि सब एक ही कलर के कपड़े वगैरह सब पहन रखे, तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है। तो फटाफट से हम लोग को पास पास जाके सबको ढूंढना पड़ेगा, मतलब उस ब्रेड को। वैसे वो हम लोग का एक ही दो दिन का दोस्त था, लेकिन यार इतना ज़्यादा दोस्ती प्यार में बदल गई कि भाई उसे छुड़ाने के लिए हम लोग जेल में आ चुके। तो गाइस यार ये जेल इतनी बड़ी है भाई, ढूंढते ढूंढते पूरा देख सकते हो शाम होने वाली है और सब लोग बोल रहे हैं कि अंदर जाओ अंदर जाओ। यार अंदर जाने के बाद वो कैसे ढूंढ पाऊंगा, लेकिन फटाफट से देखता हूँ यार शाम होने से पहले हो सकता है मिल जाए। देख सकते हो यार पूरी रात होने वाली है, पूरा बादल वगैरह सब लाल लाल हो चुका है। अब सब बोल रहे हैं कि तुम अंदर जाओ जल्दी जल्दी, सब लोग देख सकते हो धीरे धीरे अंदर भी जा रहे हैं। तो मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा और देखते भाई अंदर का क्या मतलब सीन है, कैसे सब लोग क्या कर रहे हैं और कैसे रहते हैं। और यहाँ पे देखो भाई यहाँ तो फुल मस्ती चल रही है, मुझे लगा तो यार सब जेल में होंगे। और यहाँ पे देखते तो कुछ लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। और भाई एक बंदा ये क्या कर रहा है भाई, इसको क्या हुआ है, मतलब ये पागल खानों की जेल है जो देख सकते हो। ये तो मेरे को अंदर बुला रहा है, वो भाई एक बार गेट खुल जाए तो बताता हूँ तेरी, लेकिन यार ये गेट भी नहीं खुलेगा क्योंकि लॉक है भाई, अगर लॉक नहीं होता ना तब मैं तेरे को बताता उसके बाद। और यहाँ पे देखो भाई सब बेंच वगैरह पे मतलब यहाँ पे खाना वगैरह सब खाते हैं और ये देख सकते हो ऊपर चढ़ चढ़ के मस्ती कर रहे हैं। और एक सेकंड भाई यहाँ पे देखो एक बंदा तो मतलब बगल साइड में खाना रखा हुआ है और उसने हाथ भी लगा रखा है ताकि ये पैर वगैरह ना रखे। रुक जा भाई अभी माइकल तुम्हारी मस्ती उतारता है, क्योंकि माइकल अच्छा में अच्छा है और बुरे में तो बुरा है। वैसे आप लोग को तो पता है बहुत बड़ा ये माफिया है, लेकिन ऐसा काम नहीं करता जैसे दूसरों का नुकसान हो। तो फटाफट से देख सकते हो ये लात घुसा इस पर बजाने लगा और एक सेकंड भाई मैं मारने की उसे कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग इसे रही। तो फटाफट से इसको भी दो चार दे देते हैं क्योंकि ये उसी का फ्रेंड है। और एक सेकंड भाई उसके खाने पर ये तो लेट गया, अब तो ये बचेगा नहीं भाई। एक बार रॉड वगैरह मिल जाए इसे तो बताता। ओ चलो ये नीचे आ चुका है, अब इसे बताते हैं पूरा। तो चलो गाइस ये नीचे आ चुका है, अब भाई इसे लात और मुंह कब बजा देते हैं। वैसे सब तो भाई नीचे आ रहे हैं, मतलब मैं किस किन किन लोगों से फाइट करूंगा, यहाँ पे सब तो ऐसे ही है, मतलब कोई ठीक ठाक का बंदा नहीं है। और देख सकते हो सबको पड़ रही है, लेकिन ये भी चढ़े हुए तो एक ही मुक्के में ये तो ढेर हो गया भाई पूरा। और देख सकते हो ये लोग आपस में लड़ने लगे। ओ भाई ये बहुत ही ज़्यादा तेज बंदा था, तो जो ज़्यादा तेज होता है तो उसे माइकल बजा देता है। और ये भाई देखो इसको तालियां बजाने का शौक है, तो इसे भी मुझे लगता है कि देने पड़ेगा। ओ भाई सब तालियां बजा रहे हैं, माइकल के लिए बजा रहे हैं कि उसके लिए, अच्छा अपने बॉस के लिए बजा रहे हैं, जो इन लोगों का एक बॉस भी है इसमें ना, जो मतलब अगर फाइट में जीत जाता है तो ये लोग तालियां बजाते हैं। वैसे सुबह से माइकल ने भी कुछ नहीं खाया और ये लोग पूरा खा पी के लाइट मतलब लड़ाई वगैरह कर रहे हैं और मस्त तालियां बजा रहे हैं। तो फटाफट से मैं सोच रहा हूँ यार इसे एक को बजा के उसके बाद मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ ताकि फाइट करने में मजा आए और ब्रेड को भी मैं ढूंढ लूँ। ओ भाई ये देख सकते हो क्या कर रहा है यार भाई, अगर लड़ाई करनी है तो नीचे आ जाना, नीचे करते हैं उसके बाद देखते हैं फिर कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन तू माइकल से नहीं जीतने वाला, एक ही मुक्के में भाई दूसरी सीट पे चढ़ गया यार देख सकते हो। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पुलिस वगैरह आने वाली है कितनी भी फाइट करो। तो फटाफट से इन लोगों को भी बजाते हैं और देख सकते हो यार अंदर भी सब ये मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तगड़े हुए हैं, और देख सकते हो अंदर कैसे घूम घूम के झूल रहा है यार। तो जो बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं उनको अंदर बंद कर रखा है। तो फटाफट से यार अब माइकल को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तो फटाफट से चलते हैं कुछ खा लेते हैं और उसके बाद ब्रेड को ढूंढने के लिए चलते हैं। वैसे ब्रेड को मैं इसी में ढूंढ सकता हूँ क्योंकि अब तो बंद हो चुका है, कल जो हो सकता है सुबह ही हो सकता है। तो फटाफट से माइकल अपनी पेट पूजा करके अब मस्त वाली नींद लेगा और सुबह देखेगा क्या होता है क्या। लेकिन एक सेकंड यार मैं अभी सोने नहीं जाऊंगा, पहले मैं ऊपर भी देख लेता हूँ यार चल क्या रहा। और यार यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग मुझे तो पागल लग रहे हैं, देख सकते हो कुछ जिन लोगों को तो मैंने ठोक दिया वो सब लेटे हुए हैं और जिन लोग अच्छे अच्छे थे भाई तुम लोग खाना खा लो यार कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं अंदर जाके चेक करता हूँ ये लोग खाना कैसे बना रहे हैं, मतलब अच्छा से बना रहे हैं सफाई
वैसे ही या नहीं वैसे ही। ओ भाई यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और ये ताली किसके लिए बजा रहा है, मेरे लिए नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा था ये मेरे लिए, तभी मैंने इसे रख के बजा दिया। और ये अब लेटा रहेगा भाई, ये सुबह ही उठने वाला है अभी, मोटे सही से सबको खाना परोसना। तो फटाफट से अब निकलते हैं यार, सबको मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया, जो जो ठीक बंदे थे उन्हें मैंने ठीक कर दिया। फटाक से ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे, देखो भाई ये कर क्या रहा है, देख सकते हो ये ऊपर क्या चल रहा है, मतलब ये यहाँ से निकलना चाहता है। चल भाई तू पूरी कोशिश कर निकलने के लिए, वैसे ही अच्छा है निकल जाए यार। और यहाँ पे ब्रेड नहीं दिख रहा है, फटाफट से मैं ऊपर भी जाकर देख लेता हूँ, ब्रेड वगैरह हो सकता है मिल जाए। और एक सेकंड भाई, इसे मैंने लात मारा तो ये देख सकते हो लड़ने के लिए तैयार हो गया, तभी मैंने भी सोचा इसे पूरा बजा के जाते हैं यार, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर पुलिस वाले पूछेंगे तो बोल देगा कि ये बाहर भाग रहा था, मैं इसे पकड़ रहा था और बच भी जाऊँगा। तो फटाफट से देख सकते हो मैंने उसे भी लिटा दिया, मतलब सबको मैं आज सुलाने का काम कर रहा हूँ, मतलब माइकल को नींद नहीं आ रही क्योंकि इसका दोस्त नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखो भाई सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अब ऊपर भी चल के देखता हूँ, और ये भाई इसको कौन सा मिर्गी का दौड़ा रहा है, देख सकते हो कैसे लेट गया। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई इधर क्या हो रहा है। इधर तो भाई एक बंदा मस्त अपना आराम से सो रहा है, ये बहुत ही ठीक बंदा। और ये भाई इसे क्या रहा है, देख सकते हो इसे कौन से दबड़े पड़ रहे हैं। और ये भाई देख सकते हो मस्त डांस वगैरह कर रहा है बिना किसी म्यूजिक के। और भाई ये देखो क्या बॉडी बिल्डर है, मतलब क्या बॉडी दिखा रहा है। तो चलते हैं इससे भी देख लेते हैं। ओ भाई इसके पास बेसफुल बैट है, तो भाई देख सकते हो ये तो मेरा टकला फोड़ देगा, लेकिन भाई मेरे पास एक भी वेपन नहीं है। अगर मैं इससे लड़ाई करता हूँ और इससे जीत जाता हूँ भाई, तो मेरे पास वेपन आ जाएगा, मतलब ये डंडा, तो मैं इस डंडे से किसी का भी टकला फोड़ सकता हूँ आसानी से। लेकिन मुझे नहीं लगता यार भाई इतनी आसानी से ये देने वाला है, तो फटाफट से मैं लात घूसा बजा के इससे यार ले लेता हूँ, लेकिन ये इतनी आसानी से देने वाला नहीं, मारना तो बहुत ही पड़ेगा। और देखते हैं ये कब देता है भाई। तो फटाफट से मैं इसे बाहर लाता हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है लड़ाई करने का। और भाई देख सकते हो मैं बाहर लाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी इसने मेरे पे मुंह पे बजा दिया भाई दो तीन बैट, और माइकल भी थोड़ा डाउन हो गया। तो फटाफट से अब तो गेट खुल चुका है, वैसे इस गेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, गेट खुल चुका है, बाहर चलते हैं और इसे दो तीन मुक्कद रखते हैं, उसके बाद इससे बैट को छीन लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे पुलिस वाले भी होने चाहिए ना, क्योंकि सब लोग लड़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो देखना चाहिए, लेकिन कोई आ भी नहीं रहा है। मैं इसे लतिया के इसका बैट छीन लेता हूँ पूरा एकदम लत मार के। लेकिन यार देख सकते हो इतना ज़्यादा मतलब ये मजबूत बंदा है, मुझे लगता है इन सबका लीडर यही है। और देख सकते हो ये बैट मतलब छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है, एक बार ये छोड़ देना भाई इसको टकले पे मार के एक ही बैट में मेरा काम हो जाएगा, ये लात मुका घूसा मारना भी नहीं पड़ेगा। ओ भाई देख सकते हो मारो फटाफट फटाफट कनपट्टी पे मारते जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ देने का मतलब नाम ही ले रहा। और एक सेकंड भाई इधर देखो यार, सारे पुलिस वालों की बात मैं कर रहा था, और यहाँ पे देख सकते हो सब मस्त अपनी चुगली करने में लगे हुए हैं, और एक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई लड़े भिड़े कुछ भी हो जाए किसी को, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख सकते हो यार जेल में ऐसा होना चाहिए, मस्त से अपना कैदी वगैरह सब कुछ लड़े, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरी जवान लड़खड़ा जाती है थोड़ा, तो मैनेज कर लेना। तो फटाफट से इसे तोड़ते हैं भाई, मारते हैं मुक्का लात घूसा, और इसे बैट को छीन लेते हैं यार। बहुत ही ये परेशान कर रहा है, मतलब इतनी देर से वो भाई इसके मुंह पे लगी, अभी इसने जब मुंह पे पड़ी ना तब इसने मुंह पकड़ लिया था। लेकिन यार ये भाई कितना ज़्यादा मजबूत बंदा है भाई, इसे कुछ हो ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा मार दिया। और पीठ वगैरह पे देखो भाई क्या क्या इसने टैटू वगैरह बनवा रखा है, और इन सबका लीडर यही है। तो देख सकते हो माइकल ने अभी बैट छीन लिया है भाई, अगर आप बोलेगा ना तो भाई एक ही बैट में इसका काम हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं भाई और घूम के देख लेते हैं यहाँ पे ब्रेड मिलता है या नहीं, उसके बाद मुझे बाहर ही जाके ढूंढना पड़ेगा। बाहर जाने से पहले मैं कुछ अजीब नमूने से मिला देता हूँ, देख रहे हो कितनी देर से ये भाई यहाँ पे सुसु कर रहा है। अबे भाई हो गया हो तो आ जा इधर। ओ भाई ये कर क्या रहा है, मतलब पूरा भर देगा जेल में, बाढ़ आ जाएगी क्या। ओ भाई ये तो आसानी से निकल गया, वैसे ये मुझे नहीं लगता ये मुझसे फाइट करने वाला होगा, अगर फाइट करता। ओ भाई मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, देख सकते हो मैं बोलने क्या वाला था लेकिन नहीं बोल सकता वो। तो इधर तो ये भाई बहुत ही मस्त बंदा है, और इधर भी। ओ भाई ये यही है जो अंदर बुला रहा था, एक नीचे भी था और एक यहाँ। तो मेरे पास देख सकते हो अभी बैट है एक ही। ओ भाई साहब देख सकते हो इसने बच के कैसे मारा भाई, ये तो बहुत ही तगड़ा बंदा है, लेकिन तुम्हारा भाई उससे भी तगड़ा है, इसे ऐसे ही ख़त्म कर देगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, जो लोग नए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जब तक मैं इसे तोड़ रहा हूँ। तो फटाफट से देख सकते हो इसका भी काम खत्म हो चुका है, अब बाहर चलते हैं और देखते हैं और क्या चल रहा है। लेकिन यार ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगता है इसका भी कुछ बगल वाले से कनेक्शन है, सब मतलब पागल और ऐसे ही पड़े हैं इस जेल में भाई। वो ब्रेड भी मेरा दोस्त भी पागल ना हो जाए, और माइकल भी ना पागल हो जाए इन लोगों को मार मार के। तो देख सकते हो अभी वो भाई देख सकते हो सामने कैसे झुक के घूम रहा है यार, ये जेल है कि पागलखाना यार, आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। और फिर से देख तो एक को मार के ख़त्म किया भाई, दूसरा आ चुका है देख सकते हो, जिसको मैंने कुछ नहीं बोला था यार इसे,
फिर भी ये मेरे से फाइट कर रहा है। तो चलो माइकल ने इसे भी मार दिया। अब देखते हैं यार ब्रेड कहाँ पे है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी ढूंढ के आप लोग को दिखाता हूँ यार। और एक्सपेंड भाई यहाँ पे देखो एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, तो भाई डिस्टर्ब करना मेरे को बन नहीं रहता, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार इसके टकले पर रख देता हूँ बेसफुल बैट और देख तो भाई मार दिया। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि माइकल सबसे बेकार में पंगा ले रहा है, लेकिन माइकल को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है यार पंगे लेने में। तो देख सकते हो सबको बारी बारी माइकल ने सबको एरियल लगा के पूरा धो दिया है। और भाई एक सेकंड ये लोग आसपास आ तो जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फाइट करने के नहीं, जो लोग इससे फाइट नहीं किए वही मतलब इससे फाइट कर रहे हैं। और देख सकते हो एक ही दो बैट में ये लोग सब नीचे टकरा के गिर जा रहे हैं। तो भाई साहब मुझे लगता है यार माइकल को इसी में मजा आएगा, वो अपने दोस्त को कब ढूंढेगा। तो फटाफट से निकलते हैं यार, अब देखते हैं कि कब माइकल अपने दोस्त को ढूंढता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 में आपको दिखाऊंगा कि अपने दोस्त को कैसे ढूंढता है, और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाय।